हाथ के साथ पैर भी चमका दिए मैंने। अरे अब निकली स्माइल। कौन सा गिफ्ट कहाँ है मेरा? देना होता है करवा चौथ में, मैं हूँ तुम्हारा गिफ्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाक। और आज एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ करते हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरा फास्ट है, सुबह से बहुत काम हो गया था तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, तो अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का मौसम बहुत बढ़िया है, बढ़िया कह सकते हो, मतलब कभी धूप आ रही है और कभी छाया आ रही है। तो नीचे मुझे ठंडा हो रहा था तो मैं छत पे आ गई हूँ। तो ये है मेरे घर की लोकेशन कुछ इस तरीके की। तो और मैं लेके आई हूँ नेल पेंट लगा लेती हूँ, और कल मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पीछे तो लगी नहीं है। तो पतिदेव मेरे एक कीप और लेके आए मेरे लिए कि वो लग नहीं रही है करके। मैं नेल पेंट लगाती हूँ और मेहंदी लगाती हूँ। ये देखिए, हाथ के साथ पैर भी चमका दिए मैंने। ये लगा दिए मैंने मेहंदी, इस टाइप की लगाई कुछ, क्या तो ऐसी लगी है। तो मेरा बहुत सारा काम हो चुका है और मैंने अपने लिए साड़ी भी निकाल ली है करवा चौथ की। ये मेरे पास नई साड़ी थी अंदर, तो मैं ये पहनूंगी आज, तो ये पिंक कलर की साड़ी। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने और माता की जो पूजा करेंगे तो भोग लगाने के लिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे, ओके बाय बाय। तो मैं बना के लेके आ गई हूँ प्रसाद, हलवा और खीर बना के लाई हूँ और भोग के लिए। अब मैं रेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब मुझे करनी है पूजा। अभी करवा माता की पूजा करनी है, फिर शाम को चाँद की पूजा करेंगे। तो ये है मेरे करवा माता का जो मंदिर है, ये बनाया है मैंने। यहाँ पे अपने आरती की थाली, प्रसाद, कलश, करवा और ये है सासू माँ को जो देना है श्रृंगार का सामान, ये रखा है मैंने यहाँ पे। और ये अपनी चूड़ियाँ भी रख रखी हैं मैंने, सिंदूर रखा है, करवा रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मंदिर में रख दी है। मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है करवा माता की, और अब चाँद का वेट करना है। और मैं पतिदेव भी आ गए हैं तो उनके लिए चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या चल रहा है किचन में काम। हलवा और खीर तो मैंने बना दी थी, अब चलते हैं पहाड़ी किचन में। यहाँ बन रहा है खाना, ये
ऑडी को क्यों बैठा रखा है तुमने? ऑडी और रंजना बना रही है चने, आज ये अच्छे अच्छे चने बना रही है। ये देखो रंजना को। बैठ जाओ। आज क्यों नीचे से वहाँ पे रंजना ने सब्जी डाल दी है, अभी देवी आएंगे तैयार होंगे वो, उनके लिए भी कपड़े निकालने। ये देखिए गाइस, ये फोन देखने में बिजी है, तैयार होने को बोल रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रहे। मैं बेचारी वेट कर करके परेशान हो गई, और देख भी कार्टून के हो जाओ ना तैयार। अरे अब निकली स्माइल। सौभाग्यवती बाबा। अच्छा सदा अच्छा सदा खुश रहो। अरे मैं हम लोग पीछे हैं। अरे प्रसाद तो लेने ही हूँ अभी। प्रसाद थोड़ी ना। अब सासू माँ को देते हैं उनका श्रृंगार का सामान। ये लाइट जलाओ, क्या कर रहे हो ऐसा? ये है सासू माँ का श्रृंगार का सामान जो मैं उनको दे रही हूँ। ये आपका है हवन। क्या बोल रही? आशीर्वाद दे दो। और ये मिठाई सबको बांटना, मिठाई भी खिला देती आपको। मेरी पूजा हो चुकी है और मैं थक भी बहुत गई हूँ, और मैं खाना लेके आ गई हूँ, खाना खाती हूँ। ये है सूखे चने, पूरी और खीर, और थोड़ा सा प्रसाद लिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कल मुझे नींद आ गई थी और मैं थक भी गई थी, तो मैं सो गई थी, तो मैं कल अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई। तो आज मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, और मेरे पीछे से दिख रहा है हिमालय, वो देखिए। अब वैसे 9 बज गया है, खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। अब मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ पतिदेव रेडी हो गए हैं या क्या हो रहा है। ये बैठे हैं यहाँ पे, फ़ोन चला रहे हैं, बैंक के लिए तैयार हो गए हैं। और मेरा गिफ्ट क्या है? कल तो सो गए थे आप मेरे से पहले। कौन सा गिफ्ट? कहाँ है मेरा देना होता है करवा चौथ में? मैं वो तुम्हारा गिफ्ट है। कुछ तो देना चाहिए यार, सब लोग यहाँ कोई सोने का कुछ दे रहे हैं, कोई अंगूठी, कोई हार, और तुम ये देखो, ये कोई गिफ्ट होता है? ये भी नीतू ने दे रखी है मेरे लिए। ये भी कोई देता है क्या? किसी के हस्बैंड ने ये चॉकलेट दी होगी तो जरूर कमेंट करना हो। उतना बड़ा अच्छा गिफ्ट है वो। अरे यार मैं लाया तो था, मान ले गिफ्ट भूल गया। रुको देता हूँ। ये देखो गाइस क्या लेके आ रहे हैं, मैं भी तो देखूं। यहाँ छुपाया था क्या? पता ही नहीं था मुझे। ये लेके आए हैं ये मेरे लिए, पता नहीं क्या है। मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहे हैं, मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगी। कल दे देते तो शायद अच्छा होता। ओके बाय बाय। उन्होंने मंगा रखा है साड़ी, मंगा रखी है, ये मैंने अपने विश लिस्ट में डाली थी, तो इन्होंने मंगा दी होगी, तो मैं यही पहन लेती कल अगर पता होता मुझे। तो वैसे भी मैं थक गई थी, मैंने तो कल ज्वेलरी भी नहीं पहनी थी अपनी करवा चौथ पे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी।
तो फिर मैंने नॉर्मल जो दिन में मैंने पूजा के लिए साड़ी पहनी थी वही मैंने रात को पहन ली थी। ये है साड़ी, ग्रीन कलर का ब्लाउज है और ये है लाइट ग्रीन कलर की साड़ी है। ये मैंने अपने विश लिस्ट में डाली थी तो इन्होंने मंगा ली होगी। मैंने पहले भी बोला था इनको कि ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है तो तब इन्होंने मंगा दी होगी। इस बार ये पहली बार अपने मन से कुछ मंगा रखा है इन्होंने तो अच्छा भी लग रहा है मुझे बहुत। मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर।